वह है प्रबोधनी काची। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। ये युधिष्ठिर कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका वर्णन जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने नारद से किया था वही मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। इस एकादशी का नाम प्रबोधनी एकादशी है। यह पुण्य को बढ़ाने वाली तथा बुद्धिमानों को मुक्ति देने वाली है। एक दिन नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह के शयन के पश्चात जागते हैं। आज भगवान जागते हैं 4 महीने सोने के बाद। इस प्रबोधनी एकादशी के व्रत का विधान माध्यम एवं फल क्या है, कृपा करके बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रबोधनी एकादशी का वृतांत सुनाता हूँ, तुम इसे एकाग्रचित से सुनो। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के शयन करने के पश्चात जागते हैं, इसलिए इसको देवोत्थान या देव उठान एकादशी भी कहते हैं। कुछ धार्मिक श्रद्धालु देवोत्थान के बिना दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन भी करते हैं। आज ये तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी होता है। प्रबोधनी एकादशी का माध्यम पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि और श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुष को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ स्थान हैं उनका प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कि भगवान विष्णु की प्रबोधनी काची तिथि आती है। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से एक जन्म का और केवल रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म का तथा दिन रात उपवास करने से पिछले 7 जन्मों के पाप नाश होते हैं। जो वस्तु 3 लोकों में ना मिल सके वह हरि प्रबोधनी काची से प्राप्त हो सकती है। मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पुण्य भी पर्वत की तरह महान हो जाता है। जिस प्रकार रूई के बड़े भारी ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार प्रबोधनी काची अनेक जन्मों के छोटे बड़े समस्त पापों को क्षण भर में भस्म कर देती है। भक्ति पूर्वक व्रत का उपवास करने पर संसारिक मनुष्य को हरि प्रबोधनी काची से ईश्वरीय संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य का वैभव प्रदान करती है। जो लोग इसका तन मन से ध्यान करके व्रत का संयम से पालन कर अनुष्ठान करते हैं उनके पितृ नरक के दुखों से छुटकारा पाकर देवलोक को जाते हैं। विधि रहित व्रत पूजन चाहे कितनी भी मात्रा से
भी किया जाए पूर्ण फलदायी नहीं होता। जो धर्मली कपटी लोग गुरु और विद्वान ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बातें करते हैं, वे भी धन और संतान से हीन होते हैं, परंतु ऐसे सभी पापों से पीड़ित व्यक्ति भी देव प्रबोधिनी के व्रत से पाप मुक्त हो जाते हैं। व्यक्ति जैसे ही आपने मन से हरि प्रबोधिनी काची के व्रत का संकल्प लेता है, वैसे ही उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधिनी एकाची पुत्र तथा पुत्र प्रदान करने वाली है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधिनी एकाची का व्रत संपूर्ण तन मन और श्रद्धा से किया है। अतः सब कर्मों को त्याग कर भगवान की कृपा पाने हेतु कार्तिक शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधिनी काची का व्रत करना चाहिए। वही तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिसने हरि प्रबोधिनी काची का व्रत विधि विधान से किया है, संसार में मनुष्य के द्वारा किए गए मन कर्म वचन तीनों प्रकार के पाप तथा बचपन जवानी और बुढ़ापे से किए हुए पाप इस व्रत को यथा विधि करने और रात्रि को जागरण करेंगे। सब लोग जागरण, कौन कौन नहीं करेगा हाथ खड़ा करो। अरे कौन कौन करेगा वो हाथ खड़ा करो। सभी तैयार है, अब जागोगे पूरी रात जागोगे। रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। जितेंद्रिय है और उसी को भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है जिसने हरि प्रबोधिनी काची का व्रत विधि विधान से किया है। संसार में मनुष्य के द्वारा किए गए मन कर्म वचन तीनों प्रकार के पाप तथा बचपन जवानी और बुढ़ापे में किए हुए पाप इस व्रत को यथाविधि करने और रात्रि को जागरण करने से समाप्त हो जाते हैं। जो कार्तिक मास में धर्मप्रायण होकर अन्न का त्याग करते हैं, उन्हें चंद्रायन व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में विष्णु भगवान केवल दान आदि से ही प्रसन्न नहीं होते हैं, शास्त्र चिंतन से भी भगवान की कृपा मिलती है। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा पढ़ते सुनते तथा सुनाते हैं, उनको उचित फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में भगवान विष्णु की भक्ति देने वाली कथा पढ़नी या सुननी चाहिए, जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा करते हैं
उन्हें 100 गोदान जैसा फल मिलता है, या क्या या मिलता है, या कथा का प्रबंध करते हैं वे अपने और कुटुंब की 100 पीढ़ियों का उद्धार करते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा करते हैं कर सुनते हैं वे भी अनंत फल पाते हैं। ध्यान मगन हो ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, प्रबोधिनी काची के व्रत की विधि विस्तार पूर्वक कही है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठे, शौच आदि से निवृत्त होकर कुल्ला दातुन आदि करने के बाद नदी तालाब कुआं बावड़ी या घर में ही जैसा संभव हो स्नान करें, फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और एकादशी व्रत का नियम ग्रहण करें। उस समय भगवान को साक्षी मान संकल्प करे कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आओ थोड़ा भगवान की शरण में आ जाए। ठीक है, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान, संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान, ना हम में बल है ना हम में बुद्धि, ना हम ना हम में साधन ना हम में भक्ति, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करोगे दयालु भगवान, तुम्हारे जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम दया करो हे दयालु भगवान, सुना है हम अंश हैं तुम्हारे, तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे, यह तो खुद तुमने क्यों बिसारी, दया करो हे दयालु भगवान, यह तो शुद्ध तुमने क्यों भी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान, भूले हैं जो हम
तो है तुम्हारे बोले भले है जो हम तो है तुम्हारे तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी दया करो है दयालु भगवान प्रदान कर दो महान शक्ति भरो हमारे में ज्ञान भक्ति तभी कहाओगे ताप हारी तभी दया करोगे दयालु भगवान ना होगी जब तक कृपा की दृष्टि ना होगी जब तक दया की दृष्टि ना तुम हो तब तक न्यायकारी ना तुम तब तक दया करो है दयालु भगवान हमें तो बस तेरे नाम की है हमें तो पुकार ये राधे श्याम की है तुम्हारी तुम जानो निरवकारी दया करो हे दयालु भगवान शरण में आए हैं हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवान कृपा करो हे कृपालु भगवान तो आओ अभी हम भगवान की शरण में आने के बाद आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा। निराहार है कोई कुछ भी नहीं और कोई है निराहार तू भी पानी भी पी लेता है पानी पीता है अवतार किशन 5 दिन रहेगा 20 बच्चा निराहार मेरा जाएगा आप भी निराहार पानी और कोई वो बैठे निराहार निराहार बहुत अच्छा है निराहार रहकर व्रत करूंगा मुझे शक्ति और धैर्य प्रदान करके आप मेरी रक्षा कीजिए। उसके बाद श्रद्धा विश्वास से व्रत और भजन कीर्तन करें शास्त्रों का पाठ करें और सुने रात्रि को भगवान विष्णु के आगे प्रबोधिनी काची के दिन अपनी समर्थ से पुष्प फल धूप दीप नैवेद्य आदि से विष्णु भगवान का पूजन करें शंख के जल से भगवान को अर्घ देवें। कार्तिक मास में विल्व पत्र से भगवान की पूजा करने पर अपार पुण्य मिलता है। जो प्रति अगस्त के फूलों से भगवान का पूजन करता है ये कौन से फूल है किसी को पता है
अगस्त के लिखा, अगस्त्य अगस्त के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उनसे इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं। जो स्त्री पुरुष कार्तिक मास में तुलसी पत्र मंजरी से भगवान का पूजन करते हैं, उनके पिछले अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन स्पर्श करने, तुलसी की कथा कहने, स्तुति करने, तुलसी का पौधा लगाने, जल से सींचने और प्रतिदिन पूजन कर आरती सेवा करने से विष्णु लोक मिलता है। तुलसी माता की, हर घर में तुलसी माता हूँ, हर घर में तुलसी रखो, सेवा करो उनकी। हे मुनि, बोई हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है, उतने ही विस्तार से तुलसी रोपण करने वाले व्यक्ति, बड़ी लंबी कथा है, करने वाला व्यक्ति के पुण्यों का विस्तार होता है। हरि पूजा में फूलों पुष्पों के महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, जो सेवक कदम्ब के पुष्पों से हरि का पूजन करता है वे मोक्ष पाते हैं, जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें अनंत पुण्य मिलता है, जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं सूर्य चंद्रमा के रहने तक उनको किसी प्रकार का दुख नहीं होगता, जो भक्त सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भी चारों युगों में देवता प्रसन्न रहते हैं, दुब के अंकुरों से भगवान की पूजा करने वाले को 100 गुना पुण्य प्राप्त, दुबा समते नहीं आओ जो दुबा खास वो 100 गुना पुण्य प्राप्त करते हैं। हे नारद, शमी के पत्र को, शमी के पत्र से पूजा करने वाले भक्तजन को यमराज से छुटकारा मिल जाता है। वर्षा ऋतु में चंपा के फूलों से जो भगवान विष्णु का पूजा करते हैं उनको पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातःकाल होने पर नदी तालाब आदि पर जाएं, वहाँ स्नान जप तथा नित्य कर्म से निवृत्त होकर घर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर सुपात्र विद्वान ब्राह्मण को भोजन करवा कर आकर दक्षिणा भी दे, भगवान से क्षमा याचना करे, इसके पश्चात भोजन दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करे। जो वस्तु व्रत के शुरू में छोड़ने का निश्चय किया है वह ब्राह्मणों को दान दक्षिणा में दे। हे राजन, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और दान दे करे। जो मनुष्य फलों को त्यागे वह उन्हीं फलों का दान करे। तेल छोड़ने पर घृत और घृत छोड़ने पर दूध, अन्न छोड़ने पर चावल तथा दान दिया जाता है। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं उनको शैया दान सब सामग्री सहित देना चाहिए। कई लोग भूमि पर सोते हैं,
क्यों सोते हैं? अगर वो चार पाए पर सो जाए तो नीचे गिर जाते हैं। कई बार ऐसी घटना घटी, उन्होंने फिर बना लिया नीचे ही सोने का। भूमि पर सोना तो अच्छा है, वो चार पाए पर सोए कैसे? कई बार नीचे गिर चुके, होश नहीं रहते, चार पाए सो जगदम नीचे, नींद कुटे में कहाँ था मैं, कहाँ गया। सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। आंवला के स्नान रूप व्रत में दही और शहद का दान करें। बाल बढ़ाए रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ी जूता, तेल या लवण त्यागने वाले को भी या शर्करा दान करना चाहिए। घी दूध और अन्न का त्याग करने पर साठी के चावल दान करने चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को व्रत की समाप्ति कर ताम्र अथवा स्वर्ण के पत्र पर घृत तथा बत्ती रख कर ईश्वर भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। व्रत की समाप्ति में सोना या तांबा के पात्र में घी और बत्ती रखकर उत्तम ब्राह्मण को संपूर्ण भाव से दान करें। एकांत में 8 कलश, 8 कलश को वस्त्र लपेट कर दान करें। ये राजन, यदि यह संभव ना हो तो इनके अभाव में ब्राह्मणों को केवल नमस्कार करके सत्कार करें। उनका वचन सब व्रतों की सिद्धि देता है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा हो या त्याग दिया हो उन वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो विष्णु भक्त इस प्रकार चातुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं वे विष्णु कृपा के अधिकारी हो जाते हैं। वे पुनर्जन्म जन्मांतर से मुक्त हो जाते हैं और पुनर्जन्म जन्मांतर से मुक्त हो जाते हैं फिर उनका जन्म नहीं होता। आप में से कौन कौन जन्म लेना चाहता है? दोबारा हाथ खड़ा करो। कोई नहीं, पर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि जन्म ना हो, भगवान के पास चले जाए। यदि व्रत गलत या भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला शारीरिक कष्ट पाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, चातुर्मास की अनुष्ठान सहित समाप्ति पर ग्रस्त और सन्यासी दोनों अनंत फल के अधिकारी होते हैं। चातुर्मास विष्णु भक्ति के लिए एक उपयुक्त अवसर होता है। भगवान विष्णु को उठाने हेतु साधकों
बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। हे राजन, यह पुण्यमयी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले अपना तथा पूर्वजों का केवल पूर्वजों का जीवन धन्य बनाते हैं। बोलो प्रबोधिनी का व्रत कथा की। यह कथा श्री स्कंद पुराण में वर्णित है। स्कंद पुराण से यह कथा मिली है। फलहार इस दिन काचरे का सागा। काचरा क्या हुआ है? काचरा की जीवन है काचरी बाजरे के बाजरे के अच्छा अच्छा जितनी इतनी बड़ी होती है खट्टी मीठी अच्छा पक जाती है तो उसमें बहुत खुशबू आती है। अच्छा अच्छा आपने लानी थी ना थोड़ी सी मर लिया। इस दिन काचरे का सागार। सागार क्या होता है? सागार लिया जाता है काचरा मेवा दूध दही सिंघाड़ा आलू तथा फल आदि लिए जा सकते हैं। बोलो प्रबोधिनी काचे व्रत कथा की। बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की। आज 4 तारीख है और 4 तारीख को प्रभुपाद जी ने क्या कहा था? राधा रानी और गोपियां समान स्तर पर हैं, परंतु गोपियां जानती हैं कि राधा रानी हमसे श्रेष्ठ आराधिका है, इसलिए उनका एकमात्र कार्य राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलन करवाना है। यह वैकुंठ भाव है। राधा रानी और कृष्ण का मिलन करवाना यह वैकुंठ भाव है। प्रभुपाद कह रहे हैं उन्हें ईर्ष्या नहीं होती कि श्री कृष्ण राधा रानी से इतना प्रेम करते हैं। उनको ईर्ष्या नहीं है भक्तों को। राधा रानी जो गोपियों को कोई ईर्ष्या नहीं है। हे गिरधर तेरी आरती गा मोर मुकट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि हारी मैं जान देख छवि बली हे गिर जन तेरी आरती गान चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने तारी दुनिया सारी उन चरणों में शीश झुकाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं
रंग सोहे वृष मानु दुलारी राधे ललिता विशाखा सखिया प्यारी युगल शबी के दर्शन पान धरते आरती गान व्यास दास के नाथ आप हो सुख दुख प्यारे साथ आप हो वास सदा वृंदावन पाऊं गिरधर तेरी आरती गाऊं बोलो राधा गिरधर भगवान बोलो मोर मुकुट वंशी वाले जानवी माता यूएस से जानवी जी जानवी तो इधर है नहीं ये दूसरी है दूसरी हरे कृष्णा श्री गुरु महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम महाराज जी आपको उत्थान एकादशी की बहुत शुभकामनाएं पहले मैं सिर्फ दो ही माला करती थी आपसे रोज कथा सुनते सुनते और श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की और आपकी अटूट कृपा से अभी मैं 16 माला करती हूँ बहुत अच्छा महाराज जी मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं जल्दी ही वृंदावन आ सकूँ आपके अच्छे स्वस्थ के लिए और आपके मुख पे हमेशा ऐसी ही प्यारी सी मुस्कान बनी रहे ऐसी श्रीमती राधा रानी जी से और श्याम सुंदर जी से प्रार्थना करती हूँ आपकी बेटी जाह्नवी यूएस धन्यवाद कौन चलेगा यूएसए में कौन चलेगा इसका संपर्क रघु कुमार का संपर्क पता नहीं है कुछ तो धन्यवाद जाह्नवी माता तुम्हारा राधाकांत प्रभु सिंगापुर से राधाकांत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव राधाकांत सिंगापुर से कोटि 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 इतने दिनों से कहाँ तुम गायब था मारे कोटि कोटि लोटी लोटी हो गए सब This is your disciple Koti Koti Das. Koti Koti Das. I am extremely thankful to you for showering me your mercy when you remembered me and asked Madhupriya about Koti Koti. My wife Ahilya Devi Dasi and I watch and listen to your lectures every day. May this Koti Koti disciple of yours ask a question. Since our body is of material nature and since Lord Krishna is all spiritual, so when we perform a service to Lord Krishna, does our service reach Krishna? Your servant, कोटि कोटि दास देखो जब हम कोटि कोटि दास जब सेवा करते हैं ना भगवान की भाव से भगवान उसको स्वीकार करते हैं खाली भाव से होनी चाहिए भगवान भाव और भक्ति के भूखे हैं और ना तुम और मैं कुछ उनको दे सकते हैं ना कुछ हमारा है ना कुछ हम उनको दे सकते हैं हरे कृष्णा कोटि कोटि ऋषि मुनि प्रभु प्रयागराज से हाँ हरे कृष्णा श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि शीश नमन महाराज जी पहली एकादशी में आपके साथ श्री चरणों में रात को आपके समक्ष बैठकर 64 माला जप करने का सौभाग्य मिला दूसरी एकादशी में आपके श्री चरणों के आशीर्वाद से 128 माला जपने का सौभाग्य मिला और आज भी देव उठान एकादशी पर आप आशीर्वाद दीजिए आज भी मैं 128 माला प्लस जप कर सकूँ 32 माला जप हो गई है बाकी भी आपके चरणों के आशीर्वाद से संकल्प पूरा कर सकूं महाराज जी आपके दासों का दास ऋषि मुनि दास ऋषि मुनि मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है बहुत अच्छी बात है कि तुम भी अपना जप बढ़ाते जा रहे हो कृष्ण तुम पर कृपा करें स्वीटी शर्मा माता कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से हरे कृष्ण महाराज जी
मैं आपको मन से अपना गुरु मान लिया है। महाराज जी, आप अपनी इस बेटी को अपना शिष्य जल्दी से बना लीजिए। मुझे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। महाराज जी, मैं इस्कॉन चामुंडा से जुड़ी हूँ। हरे कृष्ण, मेरे गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, बस, थैंक यू। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बोला कि इतनी विधि विधान एकादशी करनी चाहिए, हम तो सिंपल सा रखते हैं, जैसे व्रत रखा, अगले दिन उसका पालन कर लिया। हाँ, बोलो बोलो। अरे वो नहीं करते तो नहीं करो। तो विधि विधान करो ना करो, पर आंखों को सीधा रखो तुम। हाँ, एक मिनट, तेरी आंखें जो है किधर जाती है, किधर, ये गड़बड़ है। हरे कृष्णा, मेरे ट्रेन का टाइम है। ट्रेन का टाइम है। अच्छा अच्छा, अभी तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार जो आज एकादशी के दिन हम सबको कृतार्थ किया है। तो तीन बार हरी बोल बोल के उनका आभार व्यक्त करेंगे। हरी बोल, हरी बोल। और कोई है? हरी बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। कोई भी महाराज जी के चरणों को हाथ नहीं लगाएगा और थोड़ा हाथ लंबा करके लें प्रसाद। तो आज के प्रसाद ये जो फल है, सेब और केला, ये कीर्तिदा माता जी जो केशव कुंज में रहती है उनकी तरफ से है। है कीर्तिदा इधर नहीं? जी बैठी थी। कहाँ? वो बैठी। अच्छा अच्छा। तो उनका और उनके परिवार का श्री प्रभुपाद आश्रम उधमपुर और ये और ये उनसे बहुत बहुत। और ये जो है और ये फ्रूट क्रीम और संतरे का प्रसाद, आज कार्तिक का जन्मदिन है जो आपका अवतार कृष्ण प्रभु के सुपुत्र हैं, तो उनके जन्मदिन के उत्सव पर उन्होंने आयोजित किया, तो उनका और उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। सब लोग प्रसाद लेते जाएं, बाहर जाते जाएं, लेते जाओ प्रसाद जल्दी, ताकि जल्दी से सब निपट जाए। इसमें तीन पीस का है ये, थोड़ा आगे आए ना, उतनी दूर से आप खड़े हो गए, कैसे लेंगे महाराज जी।